कि हम लोग एक होम्योपैथ का परिवार है जिसमें 17 होम्योपैथ हैं जी। मेरे फादर, मदर, वाइफ, दो बहनें, एक जीजा जी और घर के बहुत सारे लोग, छोटे भाई, सभी लोग होम्योपैथ हैं और 17 होम्योपैथ का हमारा एक परिवार है। जैसे आपने कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी का इलाज कर दिया, तो क्या मैं आगे भविष्य में ये सोच सकती हूँ कि आप और भी कई बड़ी बीमारियों का इलाज जो है इसमें होम्योपैथी से संभव है? जी बिल्कुल, हम लोग अभी रिसेंटली एक नई बीमारी डेवलप होके आई है, MND। MND का फुल फॉर्म मोटर न्यूरॉन डिजीज, जो कि अपने आप में बहुत ही खराब बीमारी है और उसका प्रोग्नोसिस 3 साल का है। एक बार इसको हो जाए, पता लग जाए, और 2-3 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता है। उसके सारे जो काम अंग हैं वो अपने आप काम करना धीरे धीरे शिथिल होकर बंद करते हैं। मोटर न्यूरॉन डिजीज में हम लोगों ने उसको रोकने में बहुत सफलता पाई है। इसके अलावा हम लोग अस्थमा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैंसर में हम लोगों ने ब्रेन कैंसर में, यूट्राइन कैंसर्स पे बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। लोगों के जो ट्यूमर के साइज़ हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं और लोग पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जो बीमारियां हम लोग कवर करते हैं उसमें बच्चों को बार बार टॉन्सिल्स होने की संभावना, बच्चों का रेजिस्टेंस वीक हो जाना, बच्चे नहीं होना गर्भ धारण करके और जल्दी टर्मिनेट, तीसरे महीने में अबॉर्शन हो जाता है, फिर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हम लोग बड़ा अच्छी रिसर्च करी हुई मेडिसिन उसके लिए। इसके अलावा बार बार बुखार आना, बच्चों को कमज़ोर हो जाना, बच्चों की मेमोरी, इन सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ बहुत कुछ गुप्त रोगों का भी सेक्स संबंधी भी वो भी सेक्स संबंधी बीमारियाँ भी जिसमें कि कमजोरी ना तो दुर्बलता जिसे बोलते हैं उसके लिए बहुत अच्छी दवाएँ हैं। और सबसे बढ़िया है कि जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी सीरीज की मेडिसिन निकाली है जो कि बहुत लाभकारी होती है। और हमारी चैनल की आपको बहुत शुभकामनाएं, आगे आप इसी तरह से और सेवा करते रहें और जनजीवन को खुशहाल करते रहें। धन्यवाद।